Hello, students, welcome to biology class. In last class, we studied about prokaryotic cells, and now in today's class, we are going to study about eukaryotic cells. So, let's start with this. इंटरेस्टिंग टॉपिक सेल्सर द टर्म यू कैरियोट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड यहाँ पे जो यू कैरियॉट जो वर्ड है यू कैरियोटिक सेल्स का वो हम लोगों ने ग्रीक वर्ड से लिया गया था ियर यू मीन्स ट्रू और वेल यहाँ पे यू कैरियोटिक में जो फर्स्ट टू वर्ड्स है ई यू ई यू का मतलब होता है ट्रू दैट इज ट्रू इज नथिंग बट सच्चा और वेल का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसको उसका मतलब हो गया ट्रू और वेल नेक्स्ट कैरियोटिक हियर कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस जो पहले ही बोल चुकी हूँ मैं प्रो कैरियोटिक में भी कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस ही था एंड यू कैरियोटिक में यू कैरियोट कैरियोट इज नथिंग बट कैरी ऑन कैरीऑन का वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट्स डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ यू कैरियोटिक सेल्स अ सेल विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यू कैरियोटिक सेल्स तो यहाँ पर क्या बोल जा आ, बोल रहे हैं आप लोगों को अ सेल विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये यू कैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं सेल्स होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नथिंग बट क्लियर न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड क्लियर न्यूक्लियस एंड उसका शेप परफेक्ट होता है उसको हम लोग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं एंड ये सेल्स को हम लोग यू कैरियोटिक सेल्स बोलते हैं जो सेल जिसमें न्यूक्लियस परफेक्टली बना हुआ होता है उसको यू कैरियोटिक सेल्स बोलते हैं नाउ लेट्स स्टडी सम जनरल कैरेक्टर्स अबाउट यू कैरियोटिक सेल्स तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो यू कैरियोटिक सेल्स के हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर्स क्या क्या है कैरेक्टर्स फर्स्ट यू कैरियोट्स इंक्लूड ऑल द फोर किंगडम्स दे आर यहाँ पे जो क्यू कैरियोट्स है वो इंक्लूड करते हैं चार किंगडम्स फर्स्ट प्रोटेस्ट सेकेंड प्लांट्स एंड थर्ड इज

उसमें मोर एडवांस्ड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एडवांस टाइप में रहता है एडवांस इज नथिंग बट हाई लेवल का स्ट्रक्चर होता है एंड कंपोजिशन क्या होता है वहाँ पे अरेंजमेंट जो है स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होता है वो हाई लेवल पे रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट से कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है हाई लेवल में एडवांस्ड में रहते हैं स्ट्रक्चर हाई लेवल में रहता है एंड उनका जो स्ट्रक्चर रहता है अरेंजमेंट रहता है वो हाई लेवल में रहता है कंपेयरिंग टू प्रोकैरियोट्स नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दीज पोजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनविलप थर्ड पॉइंट का मतलब ये है ये जो यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कंटेन होता है विथ न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ये क्या होता है यू कैरियोटिक सेल्स में क्या होता है वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है अब देखेंगे हम लोग न्यूक्लियर एनविलप का मतलब क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियर एनविलप का मतलब होता है इट इज़ अ हाईली रेगुलेटेड मेम्ब्रेन बैरियर दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को न्यूक्लियर एनविलप का मतलब ये एक ऐसा हाईली रेगुलेटेड मेम्ब्रेन बैरियर होता है जिसमें न्यूक्लियस को सेपरेट किया जाता है साइटोप्लाज्म से तो ये हो गया न्यूक्लियर एनविलअप का मतलब एंड थर्ड पॉइंट का मतलब ये है ये जो यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर एनविलअप को भी कंटेन करते हैं दिस पोजेशन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनविलप न्यू कैरियोटिक सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कंटेन करते हैं विथ न्यूक्लियर एनविलप के साथ ये हो गया थर्ड पॉइंट का ंग नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोर्थ पॉइंट दीज सेल्स हैव अ वराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आप लोगों को फोर्थ पॉइंट में ये जो यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या है वराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोट्री दैट इज़ वराइटी इज़ नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम्स प्रजेंट रहेंगे सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं आप लोग अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कौन से आते हैं सिलिया uh, एक होता है और फ्लैजिला भी हो सकता है सिलिया इज़ नथिंग बट क्या है ये एक हेयर लाइक अपेंडेजस रहते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं लोको मोशन इज़ नथिंग बट मूविंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और मूवंग इंडिपेंडेंटली उसको हम लोग बोलते हैं सिलिया और फ्लाजेला एंड उसके बाद है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स तो इसमें क्या होता है ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के लो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ जेनेटिक मटेरियल्स आर ऑर्गेनाइज इन टू क्रोमोजोम्स तो यहाँ पर क्या हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स जो रहते हैं यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब होता है एनी मटेरियल ऑफ प्लांट एनिमल और माइक्रोबियल कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दैट पासिस फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स जो रहता है कौन से भी एक मटेरियल ले लो प्लांट का ले लो एनिमल का ले लो या माइक्रोबियल का भी ले लो वो क्या करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे बॉडी में जेने जीन्स का जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो पास आउट करता है एक जेनरेशन से लेके नेक्स्ट जेनरेशन तक तो यहाँ पे यू कैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स रहते हैं वो क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइज रह रहे हैं ऑर्गेनाइज इज़ नथिंग बट अरेंज्ड खुद को अरेंज कर रहे हैं क्रोमोजोम्स में तो लास्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है जो जेनेटिक मटेरियल्स जो रहते हैं यू कैरियोटिक सेल्स में वो खुद को अरेंज कर रहे हैं क्रोमो Zooms. So this was the last point of this topic that is eukaryotic cells. If you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. And uh, don't forget to subscribe my channel, hit the like button, comments, share. So thank you so much. We'll meet you soon in the next session with next. New topic.